दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट जॉब्स में। तो दोस्तों, आज की जो वैकेंसी निकाली गई है, ये वैकेंसी आ रही है जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए। गाइस देखिए, यहाँ पर जो वैकेंसी है, किस वैकेंसी के लिए, मतलब यहाँ किस क्वालिफिकेशन के लिए निकाली गई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं। साथ ही कौन सा आप लोग का डिपार्टमेंट रहने वाला है। तो गाइस, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ आप सभी का जो डिपार्टमेंट है, केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड। अब गाइस देखिए, आप लोग अगर यूपी के होंगे तो ऑलमोस्ट यूपी वाले स्टूडेंट तो जानते ही होंगे, यूपीपीसीएल एक विभाग है जो आप लोगों के सिर्फ और सिर्फ यूपी वालों के लिए होता है। इसी तरीके से गाइस, केरला में भी एक यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी विभाग है जो यहाँ पर केरला के स्टूडेंट्स को हायर करता है। साथ ही गाइस, यहाँ पर आप सभी की, जिस तरीके से मैं आप लोगों को कंपेयर करके इसलिए बता रही हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादातर स्टूडेंट यूपीपीसीएल के बारे में बहुत ज़्यादातर जानते हैं, क्योंकि यूपी के ऑलमोस्ट स्टूडेंट हैं तो यूपीपीसीएल के बारे में सभी जानते होंगे। इसी तरीके की वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है, मतलब यूपीपीसीएल में आप लोग की जो वैकेंसी जूनियर इंजीनियर की या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की निकाली जाती है, एक तरीके की वो भी जूनियर इंजीनियर की होती है। सेम यहाँ पर भी वैसी ही वैकेंसी निकाली गई है और आप लोग का सैलरी पैकेज काफ़ी अच्छा दे रहे हैं ये लोग, मतलब सैलरी पैकेज आप लोगों का लगभग यहाँ पर 50,000 तक रहने वाला है। तो सैलरी पैकेज तगड़ा ही यहाँ पर दिया जा रहा है, पर मंथ में आप लोगों को बता रही हुई है। और फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें क्वालिफिकेशन, तो आप लोगों की क्वालिफिकेशन डिप्लोमा रखी गई है, डिप्लोमा वाले कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया है या फिर आईटीआई वाले कैंडिडेट हैं तो गाइस आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ ओनली डिप्लोमा कैंडिडेट ही एलिजिबल हैं। अब बात करेंगे गाइस इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की, तो गाइस इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आप लोगों को अप्लाई करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, साथ ही टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर आप लोगों का इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से जाकर इसे पूरा फुल डिटेल में पढ़ सकते हैं। बाकी मैं मेन पॉइंट को आप लोगों को कवर करने वाली हूँ। इलेक्ट्रिसिटी विभाग की तरफ से ये वैकेंसी है, केरला इलेक्ट्रिसिटी विभाग की तरफ से। तो चलिए हम लोग इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने जो नोटिफिकेशन है ये डाउनलोड कर लिया है। ये नोटिफिकेशन आप लोगों का केरला की तरफ से आ रहा है। यहाँ देख सकते हैं नेम, केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड। आप लोगों की जो पोस्ट रहने वाली है सब इंजीनियर की रहने वाली है, मतलब एक तरीके से इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर जो आप लोग के होते हैं, ये भी सब इंजीनियर उसी की तरह होते हैं। आप लोग का लगभग वर्क सेम ही रहता है, सैलरी पैकेज भी काफ़ी उसी तरह से मिलता जुलता रहता है। और गाइस यहाँ आप लोगों की पे स्किल देखिए, 40,000 से लेके आप लोग का 80+, मतलब 42,000 तक आपका सैलरी पैकेज रहेगा। टोटल वैकेंसी यहाँ पर 15 निकाली गई है। और गाइस यहाँ पर सिलेक्शन कैसे होगा, क्या आप लोग का क्राइटेरिया रहेगा, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। सबसे पहले बात करें गाइस हम लोग इस नोटिफिकेशन के बारे में, तो थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ देखिए, जो हमारे कैंडिडेट, यहाँ पर देखिए कैंडिडेट हु हैव आधार कार्ड शुड, एंड यहाँ पर आप लोग का जो आधार कार्ड है, आईडी प्रूफ है, ये प्रोफाइल आप लोग के पास होनी चाहिए, कहाँ की, केरला की, क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ वैकेंसी केरला वाले स्टूडेंट्स के लिए निकाली गई है। अगर आप लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो वो अपने भाई बहनों के पास शेयर कर दें, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत ही अच्छी है उन लोगों के लिए। वैकेंसी थोड़ा कम है बट आप लोग अप्लाई तो ज़रूर कीजिएगा गाइस। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर नोट में देखिए यही चीज़ें दी गई हैं, यही कि आप लोग केरला के स्टूडेंट होने चाहिए, अगर केरला के नहीं होते हैं तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब गाइस देखिए यहाँ पर दिया गया मेथड, मतलब आप लोग का जो है डायरेक्ट रिक्वायरमेंट होगा। एज लिमिट 18 से 37 रखी गई है ओनली। यहाँ पर जो कैंडिडेट ये देखिए, ये जो डेट आप लोग को दी गई है, इतने से बीच के, इतने ये और ये आप लोग को डेट दी गई है, इनके बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो ही आप लोग एलिजिबल रहेंगे। SC ST वालों के लिए यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है, गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग दिया जाता है SC ST OBC के लिए रिलैक्सेशन। साथ ही गाइज यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगी। केरला वाले स्टूडेंट ही अप्लाई करें, फिर से बोल रही हूँ। और अदर स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो वीडियो को लाइक करके स्किप कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन में आप सभी की देखिए, डिप्लोमा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए यहाँ पर तो आप लोगों की जो वैकेंसी निकाली गई है, यहाँ स्टार्टिंग में इन्होंने बोल दिया है डिपार्टमेंट क्या रखा गया है, सब इंजीनियर, सिविल वाला जो डिपार्टमेंट है वो रखा गया है। तो अब ये हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इन्होंने डिपार्टमेंट तो सिविल वाला दिया है बट इन्होंने मैकेनिकल ब्रांच को एलिजिबल की है। तो हो सकता है गाइस, बट इन्होंने जो है सिर्फ, मतलब डिप्लोमा क्या है, सिविल में,
और मैकेनिकल में, तो आप लोग एलिजिबल हैं। केरला की किसी भी यूनिवर्सिटी से आप लोगों ने किया होना चाहिए। अगर आप लोग यहाँ पर अदर किसी स्टेट से हैं और केरला से की स्टडी किया है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ देखिए, अगर आप लोगों ने यहाँ पर डिप्लोमा किया है या फिर टेक्निकल इंस्टीट्यूट से अदर कोई, ये देखिए यहाँ पर सिविल मैकेनिकल से क्वालिफिकेशन की है, और ये देखिए आप लोगों की सिविल, मतलब सिविल और मैकेनिकल दो ही डिपार्टमेंट दिए गए हैं, बाकी तो और कुछ नहीं दिया गया। ये सभी चीज़ें आप लोगों को दी गई है मेनली, यही इसी के लिए ये 15 वैकेंसी निकाली गई है सिविल और मैकेनिकल वालों के लिए। अब गाइस यहाँ पर सबमिट आप लोगों को किस तरीके से करना है, ये फॉर्म सबमिट करने के लिए आप लोगों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, और वो कैसे करना होगा ये आप लोगों को साइट दी गई है। देखिए ये इसकी जो मेन वेबसाइट है उस पर जाकर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना होगा, ये www.kerala.gov करके आप लोग का साइट दिया गया। यहाँ आप लोग क्लिक करेंगे इस साइट पे तो उसी साइट पर पहुँच जाएंगे, बाकी आप लोग को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, वहाँ से जाकर कर सकते हैं। जैसे ही आप लोग इस लिंक पे पहुँचेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर ये अप्लाई करने से पहले रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप लोगों ने कर लिया है तो आप लोगों को नहीं करना है, अगर आप लोगों ने पहले ही कर रखा है तो। अब उसके बाद जैसे ही इस पर पहुँचेंगे, जो हमारे कैंडिडेट नहीं किए हैं रजिस्ट्रेशन तो वो यहाँ रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद देखिए कैंडिडेट को रजिस्टर करना है, लॉगिन करनी है प्रोफाइल, यूज़र आईडी पासवर्ड डालना है, अपना ईमेल आईडी पासवर्ड, और देन आप लोगों को क्या करना है अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना बटन पे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नोटिफिकेशन लिंक दी गई है, इसी तरीके से यहाँ पर फोटोग्राफ अपलोड करना है, ये सभी आप लोगों को सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप दी गई हैं, क्या क्या चीज़ें आप लोग को करनी चाहिए हैं, यहाँ से आप लोग नोटिफिकेशन से चेकआउट कर सकते हैं। लास्ट डेट जो इसकी दी गई है 2/11/2022 दी गई है, तो काफ़ी टाइम है अभी आप लोगों के पास, अब मिड नाइट तक आप लोगों के पास टाइम है। बाकी आप लोग जब यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो मतलब जो आप लोग का रजिस्ट्रेशन है वो कर देंगे, फिर उसके बाद अप्लाई करना है। अप्लाई की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, वहाँ से जाकर आप लोग चेकआउट कर लीजिए। तो गाइस ये था आज का नोटिफिकेशन, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लेना। और गाइस आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें प्लीज़, क्योंकि आप लोगों के एक सब्सक्राइब से और एक लाइक से हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, इससे हमें लगता है कि हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं हमसे जुड़ रहे हैं, साथ ही हमारी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, तो हमें आगे और भी वीडियोस लाने का जो है एक मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए और भी वीडियोस ला पाते हैं। बट गाइस अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो हमें लगता है कि आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद नहीं आ रही है, इस कारण से गाइस हमारा भी एक मोटिवेशन डाउन हो जाता है, तो हम लोग इतना कंटिन्यूटी के साथ आप लोग के साथ में वीडियो नहीं ला पाते हैं। तो गाइस अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, थैंक यू।